नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में रीसेंट की एक खास खबर साझा करेंगे। खबर आप थंबनेल पर भी देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड ही एक न्यूज़ है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अभी से ही अनुदेशकों को एक अंतिम आस बची है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का 27,000 अनुदेशक पूरी आस लगाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है। इसीलिए ये सारी बातें हम लोगों ने आदरणीय वकील साहब से की है कि सर, इस बार जो भी उसकी प्रक्रिया होती हो, जो भी लिखने पढ़ने जो भी प्रक्रिया होती है उसको आप पूरा कराइए। कुछ यदि पैसे कौड़ी की दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए, उसके लिए भी दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें कहीं कोई हिलावाली ना हो और पूरी तरह से जो डेट लगी है, यदि उससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। क्योंकि पिछले बार जो 1 मई को डेट लगी थी, वो डेट पहले 4 मई को लगी थी, 4 मई को डेट लगी थी, लेकिन बाद में वो 1 मई हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, यदि 4 अगस्त है तो उसको प्रयास कीजिए कि और पहले लग जाए। और इस बार जो भी प्रक्रिया आपको करनी है, कहीं यदि पैसे कौड़ी की दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए, हम लोग उसको भी करने को तैयार है। लेकिन इस बार का डेट पे सुनवाई हो, और जो हमारा अंतरिम राहत की बात है जिसको हम लोगों ने लक्ष्य बना के चला है कि अंतरिम राहत पे बहस हो और अंतरिम राहत हमको हम लोग को मिले, इसी को लेकर बहस करना है। और इसीलिए हम लोग लगातार वकील साहब से के संपर्क में है। आज भी दो से तीन बार बात हुई है। और एक और जो बात बताना चाहूंगा, सरकार के केस में जो डिफेक्टिव लगी थी वो डिफेक्टिव हट गई है। यानी हालांकि वो बहुत माइनर डिफेक्टिव था, सरकार ने हमें लग रहा है कि वो जानबूझ के लगवाई होगी या जो भी हो, क्योंकि वो कोई डिफेक्ट उसमें सॉफ्ट कॉपी जो SLP है उसकी सॉफ्ट कॉपी सरकार को दाखिल करनी थी, लेकिन पता नहीं उसको क्यों इतने दिन से ये लोग डिले कर रहे थे, हो सकता है इनकी मंशा कुछ रही हो। तो अब हमें लग रहा है कि सरकार की भी डेट हो सकती है जल्दी लगे, या दोनों केस कनेक्ट हो जाए इसकी भी संभावना है। तो अब देखिए, 2-4 दिन में काफी हो सकता है सरकार के डेट पे कुछ निर्णय आ जाए, क्योंकि सरकार यदि डिफेक्टिव हटाई है तो हो सकता है सरकार भी प्रयास करे कि उसको भी जल्दी डेट मिल जाए। और सरकार यदि वास्तव में प्रयास कर लेगी तो उसको तो पहले मिल ही जाएगा, आप जान ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जुलाई का महीना जो है और अगस्त का महीना है अनुदेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट की ओर नजर लगाकर बैठा है। सर जी, हमारे साथ आदरणीय सर दुबे चुके हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, और सीधा उन्हीं से एक सवाल करेंगे। सर, 2020 में इस सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का चर्चा किया था, उस समय कोरोना आ गया, और 2020 से आज 23 आ गई, 3 वर्ष में लागू नहीं हुई, जबकि 3 तलाक रातों रात लागू हो गया, धारा 370 हटी तो रातों रात लागू हो गई। ये भी एक पूरे देश का मुद्दा है, पूरा देश इस ओर देख रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी कब लागू होगी, क्या ऐसे ही चलेगा? देखिए, आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, मैं बता दूं आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का या एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार करने का कोई वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आप उनका घोषणा पत्र देखें, जो उन्होंने किया था 370 का किया था, 3 तलाक का किया था, और अब लेटेस्ट यूनिफाइड सिविल कोड का है, जिसमें आप देखें बहुत तेजी से लगे हुए, और शायद इस सत्र में ना हो पाए तो अगले सत्र तो कर ही देंगे। बात ये नहीं है, आप इसको बड़ा एकेडमिक ढंग से मत देखिए, असली बात ये है कि सरकार आज नहीं कल, हम और प्रमोद गोस्वामी जी दोनों एक इम्पोर्टेंट भाजपा नेता के पास गए थे, विचार ये था कि इनसे कुछ समझने की कोशिश करें,